शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलाना में बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष कक्षा लगाई जा रही है। विशेष कक्षा में विषय विशेषज्ञ शिक्षक बच्चों को जो विषय पढ़ने में हो रही परेशानी है उसको सुलझाएंगे। विशेष कक्षा में विषय विशेष शिक्षक कमजोर बच्चों को परीक्षा में अधिक अंक अर्जित करने व लिखने का तरीका भी बताएंगे, ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पा सके। विशेष कक्षा में शिक्षा विभाग खासकर अंग्रेजी पर फोकस करेगी, क्योंकि बोर्ड के विद्यार्थी अंग्रेजी में काफी कमजोर रहते हैं। परीक्षा में खासकर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में बच्चों का कमजोर प्रदर्शन रहता है। शिक्षा विभाग ने कमजोर बच्चों को पढ़ाई में बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके चलते स्कूलों में विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को विशेष कक्षा में करीब 1 से 2 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। इस दौरान विशेषज्ञ शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर विशेष नजर रखेंगे। कक्षा 10वीं में गणित व अंग्रेजी विषय में विद्यार्थी कमजोर हैं, वहीं अन्य विषयों की स्थिति काफी अच्छी है। बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। विद्यार्थी जिस विषय में कमजोर हैं उस पे फोकस करेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। कक्षा 10वीं की जो बालक बालिकाएं हैं जो कमजोर हैं, जिनका 40% से कम रिजल्ट रहा है, उनकी विशेष कक्षा निर्धनात्मक कक्षा 4 विषयों की 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है, और रविवार भी हम कमजोर छात्राओं के क्लासेस लगाते हैं, जिसमें सभी शिक्षक जो कालखंड लगते हैं वो तो लगते ही हैं, लेकिन जो अतिरिक्त जिनको 11वीं 12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 4 विषय की जिम्मेदारी दी गई है, ग्रुप भी बनाए गए हैं कमज़ोर बच्चों के, ताकि उनका जो आवश्यक पास होने इतने नंबर्स उनको आ सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।